जैन सबको, आज का टॉपिक है चेक पॉइंट का। हम लोग हॉट फिक्स इंस्टॉल करेंगे। देखिए, ऐसा कुछ बड़ी बात तो है नहीं, पहले भी आप लोग शायद देख चुके हैं कि ये एक मैनेजमेंट सर्वर है, इसका हम हॉट फिक्स इंस्टॉल करेंगे। ये मुझे जा नहीं रहा है भाई, ये बहुत चल रहा है अभी। तो पहले आप देखिए, ये मेरा RET 40 का है, ठीक है। तो पहले आपको जो काम करना है, प्लीज गो फॉर अ चेक पॉइंट टैग रिकमेंडेशन कि कौन सा हॉट फिक्स आपका इशू रिजॉल्व होगा। उसके बाद आपको जाना है उसी डिवाइस का, ये आपको ब्राउजर पे लॉगिन करना है। नीचे देखिए इसको ना, ये भी क्या सिनेरियो है ना, ये ऊपर नीचे होता रहता है, पता नहीं क्या है। चलो यहाँ पे देखो, दो ऑप्शंस हैं, डेटा सेक्शन। तो अगर आपके पास इंटरनेट है, ठीक है, देन आपको सिर्फ चेक फॉर अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये आपको दिख रहा है, ये इंटरनेट से वो पैकेज ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा। अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आपको चेक पॉइंट का पोर्टल में जाना होगा। ये देखिए अपग्रेड विजर्ड है, ठीक है। इसको मैं एक दूसरे टैब में और ये अपग्रेड विजर्ड है आपका, ठीक है। इसको आपको ये थोड़ा अभी, ठीक है, यहाँ से अपग्रेड क्या आपको करना है, मैं कह रहा हूँ हाँ मुझे अपडेट करना है। सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर है आपका, प्रोडक्ट लाइन, अगर आपको सिक्योरिटी गेटवे है, मेरा मैनेजमेंट सर्वर है, ठीक है। कौन सा प्लेटफॉर्म में है, KVM, माइक्रोसॉफ्ट VM और ओपन सर्वर, ठीक है, मतलब ये हार्डवेयर है, ठीक है। स्मार्ट, ये ओपन सर्वर है, अप्लाइंस है, VMware है, मेरा VMware में था है, तो मैं VMware ले रहा हूँ। इसका एक वर्जन पूछेगा कौन सा, मैंने बोला ये VMware, ये 65। कौन सा पोर्टल का है अभी, करंट वर्जन क्या है, RET 40, ठीक है। तो इसके बाद ये आपको देगा कि किस में जाना है, तो यहीं से ये अपग्रेड पाथ दे रहा है, ठीक है। अपग्रेड का भी मैं आऊंगा, मैं दिखाते हैं। तो हॉट फिक्स में इतना झंझट नहीं है, अगर ये आपने डाउनलोड कर लिया ना यहाँ पे चेक फॉर अपडेट। तो यहाँ पे देखो, रिकमेंडेड है, ऑल है, ये ध्यान रखना, रिकमेंडेड इंस्टॉल्ड, ठीक है। और ये रिकमेंडेड आपको रिकमेंड किया है चेक पॉइंट, और ऑल है, अगर आपको सब देखना है क्या क्या मेरे यहाँ पर डाउनलोड होके रखा है, ठीक है। देखिए हॉट फिक्स लिखा हुआ है, मेजर वर्जन मेरा यही है, मेजर वर्जन, ठीक है। और बाकी सब देखिए, ये मुझे मेरा भी काम का नहीं है। बिल्ड पैकेट मेजर वर्जन, RET 20 है, RET 10, RET 110 है। इससे एक चीज होगा कि अगर इसको मैं डाउनलोड कर भी दूं तो ये इंस्टॉल नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस का कमी है, क्योंकि मैंने पहले 80 GB के आसपास लिए हैं, तो इसको बहुत स्पेस लगता है, मैं वो भी तो आपको दिखाऊंगा। तो सोचो कि अगर आपको हॉटफिक इंस्टॉल करना है तो क्या करना होगा। देखो, तो इसको क्लिक करने के बाद आप इसको राइट क्लिक करो, पहले देखो आप देखना, पहले हॉटफिक्स जो आपका वर्जन है ये वाला RET 40 हॉटफिक्स 198, ठीक है। ये अभी चल रहा है 24294, जो मेरा अभी चल रहा है, ठीक है। तो देखना है आपका रिकमेंडेशन कौन सा, ये टेक कितना बोल रहा है, ये उसको आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। उसके बाद देखो, ये 29 अगस्त 2023 को लास्ट हुआ है, तो आप डेट भी देख सकते हो कौन क्या कब रिलीज हुआ है, ठीक है। RET 40 का और कुछ नहीं दिखा रहा, यही एक ही हॉट फिक्स है। तो इसको आपको क्लिक करना है, पहले आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। वो आपको वेरीफाई करके देगा कि हाँ भाई तुम ठीक हो, ठीक है। ये तो हॉट फिक्स रिकमेंडेड है, तो टास्क पैकेज इज अवेलेबल टू इंस्टॉल, वेरीफाई हो गया, इधर गया। हाँ, उसके बाद आपको, अरे ये ना एक प्रॉब्लम है, पहले से अब डाउनलोड करना होगा इसको,
अगर मेरा स्पेस का इशू ना रहे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन हॉट फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर आप जब अपडेट करोगे, नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू अपडेट। अपडेट दो तरह का है दिखाऊंगा, एक होता है आपका यहाँ से डायरेक्ट अपडेट, लेकिन कुछ जगह ऐसा होगा जहाँ पे आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, तब आपको इम्पोर्ट पैकेज करना पड़ेगा, इंस्टॉल्ड ये जो वर्जन है डिप्लॉयमेंट एजेंट ये आपको अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद इंपोर्ट पैकेज करना पड़ेगा, उसके बाद डाउन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके पास चेक फॉर अपडेट और ये आ जाता है एंड यू नो कहाँ से कहाँ आपको जाना है, देन इट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। ये मेजर वर्जन देखिए और ये डाउनलोड होने दीजिए, देखते देखते उसी टाइम हम लोग देखो ये मेजर वर्जन R80.20 R80.10, ठीक है, कहाँ पे जाना है। तो ये भी रिकमेंड, ये डाउनलोड हो गया लेकिन ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास स्पेसेस नहीं है, तो आई विल डू इट नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट वीडियो में हम बनाते हैं इसको, ठीक है। तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेता है। देखिए ये मेरा VMware प्लेटफॉर्म में है, ठीक है, तो इतना सारा है, मैं दूसरे को भी इसका भी मैंने कर दिया है, ठीक है। और अगर मैं इस SMS की बात करूं, इसको भी मैं अगर पावर ऑन कर देता हूं, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड, कि आपका इंटरनेट का स्पीड क्या है और ये कितने जल्दी इसको डाउनलोड कर पा रहा है। कभी कभी टाइम लगता है अगर इंटरनेट स्लो है तो, ठीक है। ईजी है, अगर इंटरनेट है तो आप यहाँ पे चेक अपडेट करो, आपको मिल जाएगा, उस वर्जन को देखो और वेरीफाई करो, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। हाँ ये मैं स्टैंड अलोन में कर रहा हूँ, ठीक है, सिक्योरिटी गेटवे में भी करके दिखाऊंगी, ये मैनेजमेंट सर्वर में है, ठीक है। अगर सिक्योरिटी गेटवे में होता, मतलब जो सिक्योरिटी गेटवे है जी, तो उसमें भी आप कर सकते हो। ये डाउनलोड सक्सेसफुली हो गया, देखो अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर चला जाता है ये किसका है। उसके बाद देखो ये वेरीफाई ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया, डिलीट फ्रॉम डिस्क भी आप कर सकते हो, अब इंस्टॉल अपडेट, देखो क्लिक ओके टू स्टार्ट पैकेज इंस्टॉलेशन, ओके रिबूट करेगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है भाई कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको एक्टिव पैसिव में है ना चेक पॉइंट, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप पहले पैसिव में कर रहे हो, ठीक है, और ड्यूरिंग दैट टाइम आप उसको फेल ओवर कर रहे हो, मतलब एच एस सस्पेंड कर रहे हो, उसका प्रोसेस मैं दिखाऊंगा एक्टिव पैसिव में कैसे अपडेट होता है। तो दिए देखो ये बिल्ड इन एक्सटर्नल प्रोसेस, ये थोड़ा टाइम लगेगा, 1 2 3 4 होते होते ये रिबूट होके आ जाएगा बाय द टाइम। अगर मेरा वो किधर है, ये वाला है स्मार्ट कंसोल स्टार्ट हुआ है कि देख लेते हैं। क्या हुआ भाई? N61 न्यू टैब। ये भी एक मैनेजमेंट सर्वर है, देखो ये कॉमिट लॉक डेटाबेस ओवर एड कर रहा हूँ, ये भी मैनेजमेंट है, ठीक है। ये देखो बिल्ट इन नंबर ये है R8010 है, ठीक है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नो थैंक्स। देखो यहाँ पे भी ये आ गया, ठीक है,
चेक फॉर अपडेट करो, जंबो हॉटफिक्स। तो यहीं पे भी सेम प्रोसेस है, R8010 में भी। यहाँ से भी आप देख लो, कॉल देखो, बहुत सारा तो नहीं है, मोटा मोटी है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट इंस्टॉल, ठीक है। टेक देख लेना कौन सा अवेलेबल है और कौन सा रिकमेंडेड है, ये आपको चेक पॉइंट टैग से कंफर्म कराना पड़ेगा। देखिए आपके सिस्टम में बाग, ऐसे तो आप जाके अच्छा चलो आज हॉट फिक्स इंस्टॉल करते, ऐसा तो होता नहीं है ना। देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको कुछ इश्यू आया है, वर्नरेबिलिटी आया है, कुछ फिक्सेस करना है, देन चेक पॉइंट रिकमेंड यू कि जस्ट गो फॉर द हॉट फिक्स, ठीक है। गरम गरम फिक्स कर दो कुछ समोसा बड़ा टाइप, तब आपको करना। देखो यहाँ पे भी सेम, वेरीफाई अपडेट करो, कोई मतलब डिफिकल्ट चीज नहीं, ये भी वेरीफाई करेगा, ये भी डाउनलोड करेगा, ठीक है। ये देखो, आर जम्बो हॉटफिक्स रिकमेंडेड टास्क इंस्टॉलेशन नॉट अलाउड, तो ये आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि मेरे पास स्पेस नहीं है, इस रीजन में वो रिक्वायर। तो ये भी ख्याल रखना है कि देखो कि एरर भी देता है, ऐसा नहीं है कि वो आप बता दिए और उसने वो कर दिया, नहीं। तो मुझे इसका स्पेस बढ़ाना होगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो इस वजह से। तब क्या करना होगा, देखो ये मेरे पास ये डाउनलोडेड ऑलरेडी है, तो उस हिसाब से आपको स्पेस इंक्रीज करना होगा, जो भी रिकमेंडेड ट्रैवल शूट्स हैं वो आपको करना होगा। एज सच इशू नहीं आता है, अगर देखो इसमें कुछ इशू नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें आपका प्रॉपर स्पेसेस हैं, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, नहीं तो ये आपको बहुत टाइम ले लेता है। तो देखिए वो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होके आपके पास फिर ऐसे आ जाएगा, इट विल रिबूट ऑटोमेटिकली। अभी आ रहा था मैं, वो करते करते ये निकल गया। थोड़ा टाइम भी लग सकता है क्योंकि ये जस्ट रिबूट हुआ है, ठीक है। ये वाला देखो, ये अभी आया नहीं, तो लॉग इन होगा नहीं अभी, जिसो क्या कहते हैं, ये अभी आया नहीं, ये अभी आया नहीं, इसको कंटिन्यू करो। ये थोड़ा आ गया, देखो ये न्यू जंबो हॉट फिक्स इज अवेलेबल, फिर दिखा रहा है, ठीक है। ये कौन सा है, हाँ RAT40 वाला, ओवरव्यू नेटवर्क, तो इसको आने दीजिए, अभी आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके देखेंगे स्टेटस। ये लाइसेंस चाहिए होता है, वो लिख रहा है कि भाई तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है, लास्ट वर्जन, ठीक है। इंस्टॉल सेफ एंड टेस्ट पास 29 अगस्त 2023, ठीक है। ये कब रिलीज हुआ, इंस्टॉल सेफ एंड पास, ठीक है। तो ये जंबो हॉट फिक्स आपको ये दिखा रहा है, ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली, वैलिडेटिंग क्रेडेंशियल। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको, तो यही होता है, इसमें कुछ इश्यूज नहीं आते हैं जनरली, अगर आपके पास स्पेस है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो चुका है आपका हॉट फिक्स। अगर ये नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, तो ये थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, कि भाई उसने अभी हॉट फिक्स इंस्टॉल किया, वो क्रेडेंशियल्स जो सब वेरीफाई करेगा, तो इस मीटर तो ये आपको टिक दे रहा है कि भाई सेल्फ टेस्ट पास भी हो गया, तो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप पास हो चुके हो। तो इट विल टेक सम टाइम, ये 100% जाएगा तब आपका काम खत्म, इसमें कुछ इशू आने वाला है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं कैसे इसको अपडेट करते हैं, ठीक है। तो अपडेट वाला सीन भी देखेंगे क्योंकि इसमें स्पेसेस नहीं है, तो मुझे स्पेस बढ़ाना होगा, देन वी कैन गो फॉर द अपडेट, वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, नमस्कार।